ये तो हम सब जानते हैं और मानते भी हैं कि घर का जो घी होता है वो एकदम शुद्ध होता है और बहुत अच्छा होता है खाने के लिए। कितना भी हो, बाहर में थोड़ा बहुत मिलावट तो ज़रूर होता है, तो इसलिए हमने सोचा आज घर पे ही घी बनाते हैं। तो चलिए मैं बताती हूँ कैसे बनाते हैं। ये मेरे लिए 10 दिन की मलाई है जो मैंने इकट्ठे करके रखी थी। फ्रिज में आप रख सकते हैं, अगर 10-15 दिन से ज़्यादा की है तो आप उसे फ्रीज़र में रखिए। तो मैंने तो इसे फ्रिज में ही रखी थी क्योंकि ये 10 दिन की ही है। और एक विस्कर लेंगे और उससे इसे थोड़ा सा फेंट लेंगे, या आप नॉर्मल चला लीजिए, या मथनी है तो आप उससे भी मथ सकते हैं। 1 से 2 मिनट चलाएंगे तो ये थोड़े से सॉफ्ट हो जाएगी मलाई। हार्ड हो जाती है ना फ्रिज में रखने से थोड़ा सा, तो ये थोड़ी सी सॉफ्ट हो जाएगी और धीरे धीरे जो मक्खन वाला शेप होता है ना उसमें आने लगेगी टेक्सचर में। ये देखिए थोड़ा सा मैं ऐसे चला रही हूँ, थोड़ा सा फेंट लेंगे इसको, ज़्यादा नहीं फेंटना है, बस 1 से 2 मिनट में नॉर्मल हो जाएगी। ये देखिए थोड़ा थोड़ा ये सॉफ्ट और चिकनापन आने लगा है इसमें। इस तरह से हम इसे थोड़ा सा और फेंटेंगे अभी। अब इसमें हम क्या करेंगे, एकदम चिल्ड वाटर डालेंगे 1 ग्लास। फ्रिज का ठंडा पानी होता है ना वो डालेंगे इसमें। उससे क्या होगा कि ये जो मक्खन है निकलेगा इससे मलाई से, वो थोड़ा सा सख्त हो जाएगा, थोड़ा टाइट हो जाएगा और उससे जो है ना घी बहुत अच्छा निकलेगा। इसे हम थोड़ा सा ठंडा पानी डाल के फेंट लेंगे तो इससे जो है ना ये मक्खन आराम से बहुत ईजिली अलग हो जाएगा। जो इसमें पानी वगैरह थोड़ा सा हो जाता है या दूध वगैरह जैसे मलाई के साथ चली जाती है तो वो बिल्कुल अलग हो जाएगा, और जो प्योर मक्खन होता है ना वो इससे अलग आके निकल जाएगा। थोड़ा सा इसको भी फेंटेंगे 1 से 1.5 मिनट। या आपके पास बीटर हो तो आप उससे भी कर सकते हैं, तो मैं नॉर्मल इस तरह का बता रही हूँ जो इजिली हर कोई कर ले। ये देखिए ये हमारा थोड़ा थोड़ा अलग होने लगा है, मैं दिखाती हूँ आपको। ये देखिए अब मैं डायरेक्ट वो बर्तन ले रही हूँ जिसमें हम पकाएंगे इसको। अब ये जो पानी है इसमें इसको हम अलग कर लेंगे और ये जो मक्खन निकला है ना इसको हम बिल्कुल अलग कर लेंगे इस तरह से। एक पास इकट्ठा कर लीजिए, फिर इसको बर्तन में डायरेक्ट निकाल लीजिए जिसमें आपको पकाना है। इससे क्या होगा, जो ये थोड़ी बहुत स्मेल भी आ जाती है ना कभी कभी मलाई में, जैसे कई दिन की हो जाती है, किसी के यहाँ की कम निकलती है तो ज़्यादा दिन रखना पड़ता है तो थोड़ी सी स्मेल आ जाती है, वो सब भी इससे निकल जाएगी। अब ये जो पानी है ये किसी यूज़ का नहीं है, इसको हम हटा देंगे। ये हमारा मक्खन है, अब इसको हम फिर से इसमें चिल्ड वाटर डालेंगे, एकदम ठंडा पानी फ्रिज का, और इसको 1-2 बार धो लेंगे। इससे क्या होगा, स्मेल निकल जाएगी और जो गंदगी होगी इसकी वो सब निकल जाएगी और जो घी निकलेगा वो एकदम ट्रांसपेरेंट बहुत अच्छा निकलेगा, उसमें बिल्कुल महक नहीं आएगी। और इससे हम मक्खन भी यूज़ करेंगे ना तो उसमें भी कोई महक नहीं आएगी और खाने में बहुत अच्छा लगेगा, बिल्कुल बाजार का टेस्ट आएगा उसमें। इसका एक्स्ट्रा जो पानी है धोने के बाद वो हम हटा देंगे और मक्खन अलग कर लेंगे। इसको आप 1-2 पानी से ऐसे धो लेना, उससे क्या होगा जितना अच्छा ये धुला होगा उतना अच्छा साफ घी निकलेगा। ये देखिए मैंने धो लिया है इसको, 1 पानी से मैं और धो रही हूँ ताकि बिल्कुल भी स्मेल ना रह जाए और घी एकदम ट्रांसपेरेंट निकले बहुत अच्छा। ये देखिए इस तरह से आप थोड़ा सा हाथ से फेर के इसको पलट पलट के ऊपर नीचे इसको अच्छे से धो लीजिएगा। अभी जो पानी है इसको हम अलग कर लेंगे और ये पानी हमारे अब किसी यूज़ का नहीं है, इसको हम हटा देंगे। और ये हमारा मक्खन अलग हो गया है। ये देखिए बिल्कुल जो पानी था वो हमने अलग कर लिया है और ये मक्खन प्योर अलग हो गया है। सारा पानी हम निकाल देंगे इस तरह से इसका। ये देखिए
बहुत क्रीमी, बहुत सॉफ्ट सा हो गया है, जैसे मक्खन आता है ना बाजार वाला, उस तरह का। अब मैं आपको दिखाती हूँ कि हम इससे बाजार वाला मक्खन भी कैसे बनाते हैं। जो बाजार वाला मक्खन होता है ना, अब मैं इसको थोड़ा सा लेके आपको दिखाती हूँ कि कैसे बनता है। ये मैं 2 स्पून करीब इसमें ले रही हूँ आपको दिखाने के लिए। अब मैं इसमें थोड़ा सा नमक ऐड करूँगी, बहुत ज़रा सा नमक ऐड करेंगे और बहुत चुटकी भर हल्दी यूज़ करेंगे, इससे वो थोड़ा सा हल्का येलोइश रंग पे होता है ना, वो टेक्सचर आ जाएगा इसका। और इसको बहुत अच्छे से मिक्स कर लेंगे, खूब अच्छे से मिक्स कर लेंगे ना, तो ये और क्रीमी सा हो जाएगा और बिल्कुल बाज़ार वाले मक्खन का टेस्ट आएगा। मैं तो कभी कभी बना लेती हूँ घर में, मेरे यहाँ बहुत पसंद करते हैं सब। वैसे आप ब्रेड वगैरह के साथ खाइए ना, तो बिल्कुल नहीं लगता है कि ये घर में बना हुआ है, बिल्कुल बाज़ार वाला मक्खन का टेस्ट आता है। वैसे आप फ्रिज में अभी रख देंगे ना, तो ये थोड़ा सा हार्ड हो जाएगा, तो बिल्कुल वैसा ही लगेगा। और इसे हमने रख दिया है गैस पर, अब इसे हम गैस पर मीडियम आँच पर रख देंगे ताकि थोड़ा थोड़ा पिघलना स्टार्ट हो जाए और इसमें उबाल आ जाए। मीडियम आँच पे ही रखिएगा, तेज मत रखिएगा, क्योंकि वो ऊपर आने लगेगा तो गिर जाएगा और थोड़ा सा जलने भी लगेगा नीचे से, इसलिए इसे मीडियम आँच पे ही पकाइएगा। थोड़ा सा चला के इसको, वरना ही थोड़ा सा फटाफटा लगने लगेगा, तो इसे बीच बीच में चलाते रहिएगा। ये देखिए थोड़ा थोड़ा ये पिघलने लगा है, छोटे छोटे पार्टिकल्स में अलग होने लगा है, इसे हम चलाते रहेंगे बीच बीच में। किनारे भी जो लग जाता है उसको भी छुड़ाते रहिएगा, तो उससे क्या होगा, ये बिल्कुल जलने नहीं पाएगा। और ये देखिए 2 से 3 मिनट बाद ये देखिए थोड़ा थोड़ा घी हमारा अलग होने लगा है और बुलबुले से उठने लगे, उबाल आने लगा है इसमें। अब इसे नीचे से चलाना पड़ेगा, चलाते रहिएगा, वरना ये इस तरह से हल्का हल्का देखिए हो रहा है ना गोल्डन कलर, फिर धीरे धीरे वरना ये लगने लगता है। लेकिन अभी ये जो हल्का हल्का गोल्डन है, अभी हमें थोड़ा सा इसको और पकाना है। अब इसे हम मीडियम फ्लेम पे कर देंगे और ये देखिए थोड़ा थोड़ा घी हमारा निकलने लगेगा थोड़ी देर में। अब इसे हम मीडियम आँच पे ही पकाएंगे ताकि घी बहुत अच्छे से निकलने लगे। ये देखिए थोड़ा सा घी निकलने लगा है, थोड़ा थोड़ा पकने लगा है, लेकिन अभी हमें इस स्टेज पे इसको बंद नहीं करना है गैस को, क्योंकि अगर हम अभी बंद कर देंगे तो घी तो निकल आएगा, लेकिन उसमें फिर क्या होता है, कभी कभी फंगस लगने लगता है। इसे हम जितना अच्छे से पकाएंगे ना, घी उतना अच्छा निकलेगा। इसे बिल्कुल डार्क गोल्डन करना है हमें, बीच बीच में चलाते रहिएगा तो बहुत ट्रांसपेरेंट और बहुत अच्छा घी निकलेगा। ये देखिए अब ये हमारा घी लगभग पक चुका है, 1 से 2 मिनट और हम पकाएंगे इसको। ये देखिए अब 1 से 2 मिनट बाद ये इस तरह का हो गया। अब हम गैस का फ्लेम ऑफ कर देंगे और इसे हम थोड़ी देर इसी पे ऐसे गैस पे रखे रहने देंगे ताकि थोड़ा सा ठंडा हो जाए, उसके बाद हम इसको छानेंगे। ये देखिए अभी थोड़ा ठंडा हो गया है, अब मैं इसे छान के लेती हूँ। और उससे पहले ये देखिए बिल्कुल ट्रांसपेरेंट, कितना सुंदर घी दिख रहा है और खुशबू भी इसकी बहुत अच्छी आ रही है। अब इसे आप छान लीजिएगा और इसे डायरेक्ट जो है ना प्लास्टिक के बर्तन में या कांच के बर्तन में मत निकालिएगा, क्योंकि कई बार होता है वो क्रैक हो जाता है या प्लास्टिक पिघलने लगती है। और इसे लोहे की छन्नी से छानिएगा, स्टील वाली जो होती है, क्योंकि प्लास्टिक वाली छन्नी वो जल जाती है। वैसे इस तरह से हल्का सा प्रेस करके दबाएंगे ना, तो जो घी होगा उसमें वो निकल जाएगा। इस तरह से हम सारा घी निकाल लेंगे और ये देखिए हमारा घी रेडी है। तो आपने देखा कैसे हमने मलाई से मक्खन भी बना लिया, घी भी बना लिया। तो आप बताइएगा कमेंट करके आपको रेसिपी कैसी लगी, एंड प्लीज़ सब्सक्राइब।